अब इसके बाद अंतिम छंद है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता न लहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्रा दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुवे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, आचार्य कुंदकुन स्वामी ने कहा सोवाणम पढ़म मोक्षस्य, सम्यक दर्शन मोक्ष की पहली सीढ़ी है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन जिसके बिना ज्ञान चरित्रता सम्यकता न लहे, ज्ञान और चारित्र सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पने को प्राप्त नहीं होते, सो दर्शन वो सम्यक दर्शन उसको हे भव्य उस पवित्रा दर्शन पवित्र सम्यक दर्शन को धारो धारण कर लो। दौल दौलत राम जी अंत में अपने आप को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं दौल समझ, इतनी बात को समझ ले, सुन समझ में नहीं आता तो फिर से सुन ले, और सुनने के बाद अब तो समझ में आ रहा है ना, अब समझने के बाद क्या चद्दर तान के सो जाना है, अब चेत जागृत हो, और सयाने बालक मत बन, बहुत सयाना हो गया ज्यादा भोला मत बन, काल वृथा मत खोवे, समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्यों क्योंकि यह नरभव फिर मिलन कठिन है, इस मनुष्य भव की प्राप्ति फिर से होना कठिन है, जो यदि सम्यक नहीं हुए सम्यक दर्शन नहीं होता इस जीवन में, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो फिर आगे चलकर मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना कठिन है, मुश्किल है। जैसे उसमें दृष्टांत आया था कि चौराहे पर किसी रत्न की प्राप्ति होना कितना कठिन है, उसी प्रकार चार गतियों में मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना कठिन है, फिर मनुष्य पर्याय को खोकर फिर से प्राप्त करना कितना कठिन है, तो बोले समुद्र में अगर अंगूठी का हीरा गिर जाए तो अब समुद्र में ढूंढ के निकालो हीरे को, असंभव नहीं है, लेकिन कितना कठिन है, उतना ही कठिन मनुष्य पर्याय को गंवा कर वापस प्राप्त करना है, और सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर मनुष्य पर्याय वापस निश्चित मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि शिखर जी की वंदना करने पर उसका खुलासा वर्णी जी ने अपनी जीवन गाथा में बहुत सुंदर किया है कि क्यों नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती शिखर जी की वंदना के बाद, ता ही नरक पशु गति नहीं हुई, क्यों नहीं, क्योंकि नरक और पशु गति मिथ्या दृष्टियों को होती है, शिखर जी की वंदना करने के बाद नरक पशु गति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जीव को या तो देव या मनुष्य पर्याय, देव मनुष्य ऐसा चलता रहेगा क्रम, और अंत में आठवें भाव में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन अगर न छूटे तो फिर जीव आठ भाव से अधिक संसार में नहीं रह सकता, और छूट जाए तो छूटने पर स्थिति अधिक भी हो सकती है, कुछ मध्यम भी हो सकती है, ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई जीव 32 बार मुनि पद धारण कर ले और भाव से मुनि रत्नत्रय सहित मुनि हो जाए तो 32वीं बार तो उसका अंतिम भव होता है। अगर 32 बार भाव से कोई मुनि पद को धारण कर लेते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, 32 से अधिक बार भावलिंगी मुनि नहीं हो सकता कोई, ऐसा नियम है। फिर वैसे और भी जो स्थितियां बनती है, संलेखना के बारे में उल्लेख आता है कि अगर संलेखना उत्कृष्ट संलेखना हो जाए तो इसी भाव से मोक्ष है, मध्यम हो तो 2 या 3 भाव, और जघन्य हो तो 7-8 भाव से ज्यादा समय नहीं लगता। तो यह मनुष्य पर्याय मिलना कठिन है अगर सम्यक दर्शन हुआ करते हैं, लेकिन उसमें वो आराधना सम्यक आराधना की श्रेणी में नहीं आती। संलेखना बाह्य संलेखना मात्र की चर्चा नहीं है,
यहाँ पर जो भाव संलेखना है उसकी चर्चा है, भगवती आराधना में उसका खुलासा है। आत्मानुशासन ग्रंथ हो तो फिर हम एक श्लोक आपको बताना चाहते हैं। यहाँ शायद नीचे ना करते हैं ना, अब ऐसा भी अभी क्या है कि हमें तो सौभाग्य नहीं मिला है शिखर जी की वंदना का, पर ऐसा बहुत लोगों से हमने सुना है कि हमारे अमुक रिश्तेदार जब गए तो उनको आँखों से दिखना बंद हो गया था, और अमुक व्यक्ति गए तो उनके पैर काम करना छोड़ बैठे थे, और कुछ लोगों को और किसी कारण से कोई व्यवधान मतलब जा ही नहीं सके। कई बार प्रयास किया शिखर जी जाने का लेकिन शिखर जी की वंदना नहीं हुई, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वंदना हो जाती है। ऐसी भी स्थितियां होती है, ऐसी भी बात बन सकती है। बहुत दुर्लभ है, बात सही बिल्कुल, कि लौटने के बाद कोई तकलीफ नहीं है, और वहां जाते समय कोई ऐसी बात आ जाती कि नहीं होती बंद। कर्मों की विचित्रता है, जिस जीव को देवगति की प्राप्ति होनी है या फिर जिसकी सदगति है उसकी हो भी जाती है वंदना। आत्मानुशासन में आपके मन में बहुत शंकाएं उठ रही होंगी, एक शंका तो ये उठती है कि हम तो गृहस्थ लोग हैं, संसारी जीव हैं, और फिर विषय कषायों को छोड़ नहीं सकते, तो फिर हम लोग पापी जीव कैसे अपना कल्याण करेंगे। ये ईमानदारी से शंका उठती है मन में कई लोगों की, जिनके मन में ये हार्दिक भाव आता है कि हम कैसे अपना कल्याण करेंगे, इतनी जिनवाणी हम सुन रहे हैं लेकिन हम तो विषय कषायों से हट नहीं पा रहे, कैसे हमारा उद्धार होगा, ऐसे विचार आते हैं मन में। तो फिर इसमें आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य महाराज ने इसका समाधान दिया। आत्मानुशासन तो आचार्य शांति सागर जी का और हमारे गुरु महाराज विद्यासागर महाराज श्री का प्रिय ग्रंथ है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि तुम वो दुख से बहुत डरते हो और सुख को अत्यधिक चाहते हो, इसलिए हे आत्मन, हे भव्य प्राणी, तुम्हारे लिए तुम्हारी ही प्रिय बात हम करना चाहते हैं, यानी हम तुम्हें ऐसा उपदेश देना चाहते हैं जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो और जिससे तुम दुख से छूटो। फिर आगे कहते हैं कि यद्यपि कदाचित अस्मिन, यद्यपि इस उपदेश में कहीं कहीं पर हमने कुछ कड़वी दवाइयां डाली हैं, इस औषध के समूह में, इस काढ़े में कुछ कड़वी जड़ी बूटियां भी हमने मिलाई हैं, तो भी तुम ये निश्चित समझना कि उनका फल तुम्हें मीठा मिलेगा। इसलिए कड़वा स्वाद जानकर इस औषध को बंद मत कर देना। बोले कि ज्यादा बोलने वाले लोग और ज्यादा आवाज करने वाले बादल संसार में सुलभ है, लेकिन अंदर से भीगे हुए सच्चे उपदेशक संसार में दुर्लभ है। इसी प्रकार पानी बरसाने वाले बादल दुर्लभ है। सब लोग जल्दी से जल्दी अच्छा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा सुख कर्मों के क्षय से प्राप्त होता है, और कर्मों का क्षय सम्यक चारित्र से होता है। सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है, और सम्यक ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त होता है, और शास्त्रों की परंपरा
जिनेंद्र भगवान से चलती है, और जिनेंद्र भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। इसलिए 18 दोषों को भी पहचान लो और जिनेंद्र भगवान को भी पहचान लो, और अगर सचमुच सुख चाहते हो तो जिनेंद्र भगवान के भक्त बन जाओ। क्या कह दिया? कि जिनेंद्र भगवान के भक्त बन जाओ। संत श्रयंतु श्रीय, जो भी सत्पुरुष हैं आप लोग, वे श्रयंतु, उन जिनेंद्र भगवान की शरण अंगीकार कर लो, उनके भक्त बन जाओ। मन का शांत होना, ज्ञान अच्छा होना, और आचरण भी अच्छा कर लेना, और साथ में उपवास आदि भी कर लेना, ये सब मनुष्य के लिए एक पाषाण के भार के समान है। और यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर यही चारों, मन की शांति, शास्त्र ज्ञान, आचरण और तपस्या, यही चारों महामणिरिव पूज्यम, महान रत्न के समान पूज्य हो जाते हैं। इसके बाद आचार्य श्री ने क्या कहा कि तुम्हें जो बीमारी है वो मुझे पता है, इसलिए मुझे ही तुम्हारे लिए कुछ दवा करनी पड़ेगी। तुम हित और अहित को नहीं समझ पा रहे हो और तुम एकदम बालक के समान हो। तो जिस प्रकार माँ बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर जिस प्रकार बच्चे को बहुत कठिन काम नहीं सौंपा जाता, उसी प्रकार हम भी, तुम बच्चे के समान ही हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई कठिन उपदेश, कोई कठिन काम करने का उपदेश नहीं देंगे। कितनी करुणा होगी इनके हृदय में जो ऐसा उपदेश दे रहे हैं। और बोले कि तुम्हारी जो बीमारी है वो थोड़ी बड़ी हुई है, पुराना रोग है तुम्हारा, इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोले कि वो रोग कौन सा है, तो विषय रूपी विषम भोजन, माने तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, विषाक्तता बोलते हैं ना, भोजन करते समय कोई ऐसा विरुद्ध आहार ले लो तो वो पेट में जाकर के जहर का काम करता है। तो विषय रूपी यानी इंद्रिय सुख रूपी विषम भोजन कर लेने के कारण तुम्हें जो मोह रूपी ज्वर उत्पन्न हुआ है, और उस मोह रूपी ज्वर से उत्पन्न होने वाली तीव्र तृष्णा तुम्हारे अंदर जागी है। तुम दिन रात यही सोचते हो कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, विषयों की ही आकांक्षा करते हो। ये तुम्हारी बीमारी है और तुम्हारे अंदर शक्ति भी नहीं है। इच्छा ज्यादा है लेकिन उतनी वस्तुओं का सेवन करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं 7 लड्डू खा लूं और फिर तुम्हारे पास 7 ग्राम खाने की शक्ति है। ऐसी दुर्दशा हो रही है, इसलिए तुम्हारे जैसे कमजोर रोगी को हम पेय पदार्थ अधिक पिला करके उसका उपचार करना चाहते हैं, वही तुम्हारे लिए हितकर होगा। अब देखिए पेय पदार्थ कौन से पिला रहे हैं, देखिए। अब तुम ये भी कह सकते हो कि भाई हमारे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, इसलिए हम तो सुखी हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ठीक है, तुम सुखी हो तो कोई बात नहीं, सुखी हो या दुखी हो, लेकिन तुम्हें धर्म रूपी औषध तो लेना पड़ेगी। क्यों? अगर सुखी हो तो धर्म रूपी दवाई लेने से तुम्हारे सुख में वृद्धि होगी, और दुखी हो तो तुम्हारा दुख दूर होगा। इसलिए धर्म रूपी दवाई को तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, सुखी अवस्था में भी और दुखी अवस्था में भी। जैसे जिसको कोई बीमारी नहीं है वो भी सब्जियों में मसाले डाल करके उसका सेवन करता है। मसाले क्या है? आप समझते होंगे कि मसाले स्वाद उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन आदि पुराण के 3rd अध्याय में लिखा है कि मसाले भोजन में इसलिए डाले जाते हैं कि भोजन का विषैला प्रभाव नष्ट हो जाए। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि देखो, जो स्वस्थ लोग हैं वो भी जब सब्जियों में मसाला डाल करके खाते हैं, माने दवाई तो खा रहे हैं ना, तो तुम भी अगर सुखी हो तो भी धर्म रूपी दवाई का तुम्हें सेवन करना होगा। क्यों सेवन करना होगा?
ताकि सुख की वृद्धि हो, और अगर दुखी हो तो दुख से छुटकारा मिले। और फिर अगर किसी के मन में शंका होती है कि भाई धर्म करने से तो तकलीफ होती है, उतने समय के लिए तो टेलीविजन भी नहीं देख सकते अगर धर्म कर रहे हो तो, शांति विधान कर लो तो फिर वहां टीवी कहाँ रखोगे बाजू में, टीवी भी नहीं देख सकते और उस समय भोजन भी नहीं कर सकते, और कई बार विधानों में एकाशन भी करना पड़ता है, और फिर एक मुसीबत ये भी है नए लोगों के लिए कि धोती पहनना पड़ती है, पुराने लोगों को तो अभ्यास हो गया, और फिर कुछ लोगों को और भी कुछ नियम लेने पड़ते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, अगर मान लो 10 दिन का विधान है तो 10 दिन तक के तुम कहीं नहीं जा सकते, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती है, तो फिर धर्म बहुत कठिन है, बहुत इसमें तकलीफें होती है। तो आचार्य कहते हैं कि देखो जिसको तुम तकलीफ समझ रहे हो वो वास्तव में धर्म के कारण होने वाली तकलीफ नहीं है, तुम बीमार पड़े हो इसलिए तुम्हारे लिए ये क्रम रखना आवश्यक है। धर्म सुखस्य हेतुर, जो सुख का कारण होता है वो दुख का कारण नहीं होता, इसलिए तुम जो ये मानते हो कि धर्म से दुख होता है ये तुम्हारी धारणा विपरीत है। आ रहा है समझ में, कि जो सुख का कारण होता है वो दुख का कारण नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरा सुख छूट जाएगा धर्म करने से ऐसी धारणा मत बना लेना और धर्म को मत छोड़ देना। एक श्लोक हम एक और बताना चाह रहे हैं आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण 27वां काव्य जो आत्मानुशासन में, जो आपकी जो शंका कई लोगों के मन में उठती है ना कि हम तो छोड़ नहीं पा रहे हैं सांसारिक सुखों को तो हमारी दुर्गति होगी कि नहीं, ऐसी शंका उठती है मन में, और फिर कई बार मन में तो ऐसा लगता है कि हमारी तो दुर्गति होगी, पर आचार्य महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी दुर्गति से बच सकते हो तुम। कैसे बचोगे, तो एक श्लोक है, न सुखानुभवात् पापम, पापम तद्धेतु घातकारम्भात् नाजीर्णम मिष्टान्नान् ननु तन्मात्राद्यधिक्रमणात्। बोले सुखों को भोगने से तुम पाप पूर्ण गति को प्राप्त नहीं होगे, लेकिन सुख का जो कारण धर्म है उसको छोड़ दोगे और सुखों में लीन हो जाओगे तो दुर्गति होगी। समझ में आया, इसलिए यहां पर जब मुनि श्री सुधा सागर जी आए थे तब उन्होंने एक उपदेश दिया था, आपकी स्मृति में हो या ना हो पता नहीं, हमें तो स्मरण में है वो, उन्होंने कहा था स्नान के बारे में, कहा था क्या कहा था कि स्नान करके आप कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए चले जाओ तो फिर वो स्नान आपके लिए पाप का हेतु है, और स्नान आप भगवान की पूजा करने के लिए कर रहे हैं तो फिर वो स्नान यद्यपि पाप क्रिया है लेकिन चूंकि उद्देश्य आपका क्या है कि स्नान बिना भगवान की पूजा नहीं हो सकती तो फिर वो स्नान भी आपके लिए संकल्प के कारण आपकी भावना के कारण पाप का कारण नहीं बनेगा। इसी प्रकार उन्होंने एक बात और कही थी कि सवेरे उठकर सबसे पहले धर्म की आराधना करना चाहिए, क्योंकि ठीक है दिन भर तो फिर एकदम दूर हो जाएंगे आप, कहीं से कहीं भटकेंगे, अपने काम धंधों में लग जाएंगे, लेकिन सुबह अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसने धर्म की रक्षा की है धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है। तो इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना है। यहां पर आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि सुखों को भोगने से पाप नहीं होगा किंतु सुखों के कारण का नाश करने से पाप पूर्ण गति की प्राप्ति होगी। इसलिए दृष्टांत भी दे दिया कि मिठाई खाने से अजीर्ण नहीं होता लेकिन मिठाई ही मिठाई खाने से अजीर्ण होता। इसी प्रकार सुखों का सेवन करने से दुर्गति नहीं होती लेकिन सिर्फ सांसारिक सुखों में लगे रहने से अवश्य दुर्गति होती है। यही कारण है कि धर्म की आराधना प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी तो कितना धर्म कर रही है इसलिए पत्नी का वो चूंकि अर्धांगिनी है तो उसका आधा पुण्य मेरे को मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये व्यावहारिक कथन है, अर्धांगिनी वाला जो कथन है वो व्यावहारिक कथन है। अंग आधा हो सकता है लेकिन आत्मा तो दो है ना,
आत्मा ऐसी है क्या कि 50-50 इज इक्वल टू 100, ऐसा है क्या? नहीं, आत्माएं तो दोनों की भिन्न है। तो जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसी गति प्राप्त होगी। यशोधर राजा की जो पत्नी थी वो नरक गति को प्राप्त हुई, और यशोधर राजा की मां तिर्यंच गति को प्राप्त हुई। और यशोधर राजा तिर्यंच गति को प्राप्त हुआ तो फिर पत्नी नरक को प्राप्त हो रही है और पति तिर्यंच गति को प्राप्त हो रहा है। इससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि दोनों ने पाप कमाया है, लेकिन वो जो आधा आधा वाला हिसाब था वो कहां बन रहा है? और कई बार ऐसा भी देखा गया कि भाई मोक्ष जा रहे हैं और फिर दूसरा नीचे जा रहा है। आज शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो अच्छा याद आ गया। शांतिनाथ भगवान के 12 भाव का चरित्र पूरा विस्तार से पुराणों में उपलब्ध है, और इतना समृद्धिशाली अन्य किसी तीर्थंकर का जीवन चरित्र आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो 12 भाव पहले क्या थे शांतिनाथ भगवान? तो रत्नकरण श्रावकाचार में 4 दानों का एक प्रकरण आया है। उन 4 दानों में 4 नाम लिए हैं। किन्होंने? आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कि 4 कथाएं बताई उन्होंने। श्री शेण वृषभ सेने कौंडेश सूकरश्च दृष्टांताः वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। 4 प्रकार के जो दान होते हैं, 4 दानों में, आहार दान में श्रीषेण राजा, औषध दान में वृषभ सेना, फिर शास्त्र दान में कौंडेश, और वसतिका दान में साधु के ठहरने का स्थान देते समय शूकर का दृष्टांत प्रसिद्ध हुआ है। और उसमें सबसे पहला नाम जो श्रीषेण राजा का आया है, वो श्रीषेण राजा अपनी 2 रानियों के साथ आहार दान देकर भोग भूमि को प्राप्त हुए, फिर वहां से देवगति में आए, फिर देवगति से फिर मनुष्य पर आए। इस प्रकार वो क्रम चलता रहा, और श्रीषेण राजा का ही जीव 12वें भव में शांतिनाथ तीर्थंकर की पर्याय को प्राप्त हुआ। 2 बार चक्रवर्ती पद, 1 बार बलभद्र का पद, और 1 बार तीर्थंकर का पद और कामदेव का पद उस एक जीव को प्राप्त हुआ। आप कल्पना करो कि ऐसे पद को एक बार प्राप्त करना भी कितने पुण्य की अपेक्षा रखता है। एक बार कोई कामदेव बन जाए तो कितने पुण्य करके बनता है वो कामदेव, अथवा तीर्थंकर पद प्राप्त करना हो तो कितना पुण्य चाहिए। और धवला ग्रंथ के अनुसार तो पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो तीर्थंकर के चरणों में होता है, जैसे श्रेणिक राजा को हुआ था ना, अथवा जिनेन्द्र भगवान के सानिध्य में केवली दुगंते तिथेर बंद पारम भयानरा केवली दुगंते, श्रुत केवली अथवा केवली भगवान के चरणों में बैठो और वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है 16 कारण भावनाओं के द्वारा। और पूरी 16 कारण भावना तो केवल महामुनि कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते, मुनि अवस्था में ही पूरी 16 कारण भावनाएं होती है। तो ये जो श्रीषेण का जीव था, वही तो बता रहे ना कि 16 कारण भावनाएं नहीं की उन्होंने। हमने क्या बोला, 16 कारण भावनाएं मुनि पद में होती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के लिए पूरी 16 भावनाएं अनिवार्य नहीं है। दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है, लेकिन शेष भावनाएं जो है वो भजनीय है, उनमें से कुछ हो सकती है कुछ न भी हो। जैसे राजा श्रेणिक ने सेवाएं की है साधुओं की, कई साधुओं का स्थितिकरण किया है, लेकिन षड आवश्यकों का पालन नहीं किया, इसलिए आवश्यकता परिहानी नाम की जो भावना है वो नहीं बन सकती श्रेणिक राजा को। वो किन को बनेगी? जो मुनिराज 6 आवश्यकों के धारी है वही कर सकते हैं ना आवश्यकों में अपरिहानी। और शील व्रतेषु अनतिचार, शील और व्रतों में अतिचार न लगाना। अब जिसके पास शील और व्रत ही नहीं है तो वो कहां से करेगा इस भावना को। लेकिन 4थे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इससे ये सिद्ध है कि 16 में से कुछ कम भावनाओं के साथ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। श्रेणिक राजा को हुआ है, और बाकी बहुत से ऐसे जीव भी हैं, श्री कृष्ण भी तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाले हैं, पर उन्होंने पूरी 16 भावनाएं कहां भाई है, जितनी उनके लिए संभव थी वो उन्होंने भाई है। और ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि जब एक मुनि के कंठ में रोग था, पीताश्रव मुनि को 12 वर्ष पुराना रोग था, तो श्री कृष्ण जी ने उनका उपचार कराया। बंद गई नहीं, उसमें 2 प्रकार का उल्लेख है। एक प्रथम का भी उल्लेख आता है उत्तर पुराण में, और फिर इसमें तृतीय का आता है हरिवंश पुराण में। तो वो
उतने काल के लिए अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छूट जाता है। अगर पहली पृथ्वी से आगे जा रहे हैं तो फिर उतने काल के लिए अंतर्मुहूर्त काल शरीर पर्याप्ति तक सम्यक दर्शन छूट जाता है। और चूंकि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होता है उनके अंदर, तो शरीर पर्याप्ति होते ही साथ पुनः सम्यक दृष्टि बन जाता है। आगे समझ में बहुत क्लियर है, मतलब अंतर्मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व के साथ ही उनको जाना पड़ता है, ये नियम। तो वो जो श्रीसेन राजा का जीव था वो आगे चलकर धीरे से क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होते होते इतने अपार वैभव को प्राप्त हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बलभद्र पद, कितना विशाल पद है वो। और उनके जो भाई थे वो नीचे गए और ये 16वें स्वर्ग चले गए। अपराजित बलभद्र का नाम था शांतिनाथ भगवान का जीव, और अनंत वीर्य उनके भाई का जीव था, वो नीचे पहली पृथ्वी गए। लेकिन चूंकि 16वें स्वर्ग का जीव मध्यलोक से नीचे गमन नहीं करता, 16वें स्वर्ग का ना कहकर ऐसा कहना चाहिए कि शुक्ल लेशा वाले जो भी देव होते हैं, शुक्ल लेशा वाले देव नीचे नहीं जा सकते मध्यलोक से। तो फिर उन्होंने अपने एक मित्र धर्णेंद्र से कहा कि मेरा भाई वहां है। भाई का प्रेम बहुत होता है, बलभद्र का जो प्रेम होता है अपने भाई के प्रति वैसा प्रेम और किसी का नहीं होता। तो उन्होंने उससे कहा धर्णेंद्र से कि मेरे भाई को मेरी तरफ से ये संबोधन दे देना। तो धर्णेंद्र ने जाकर उनको संबोधन दिया, वहां उनको सम्यक दर्शन हुआ। फिर वो वहां से निकल करके आया और फिर वो देखिए भाई, दोनों भाई कैसी कैसा भाईचारा निभाया उन्होंने। आगामी भवों में भी दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बनते रहे और अंत में शांतिनाथ भगवान की पर्याय जब 12वें भव में इनको प्राप्त हुई अपराजित श्रीसेन राजा के जीव को, तब बाकी तीर्थंकरों को आप देखेंगे तो किसी तीर्थंकर के पिता की दो रानियां नहीं है। सभी तीर्थंकरों के पिता की एक एक रानियां हैं, लेकिन शांतिनाथ के जो पिताजी थे उनकी दो रानियां थी, दो रानियां थी। तो फिर एक रानी से तो शांतिनाथ जी उत्पन्न हुए और दूसरी रानी से वो जो भाई था अनंत वीर्य का जीव, वो चक्रायुध उत्पन्न हुए और फिर वही इनके प्रथम गणधर बनते आगे चलकर शांतिनाथ भगवान के। बहुत सुंदर चरित्र शांतिनाथ भगवान का चरित्र, तो आप या तो शांतिनाथ पुराण पढ़ लीजिए या फिर उत्तर पुराण में जो शांतिनाथ भगवान की कथा है उसको पढ़ लीजिए। इतना अद्भुत चरित्र, उसमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलती है। बीच में आकर के देवताओं ने परीक्षा भी की इनकी, मनुष्य पर्याय में मेघरथ के जीव की परीक्षा की। चक्रवर्ती पद जब प्राप्त हुआ था इनको, तब भी इनके ऊपर किसी ने उपसर्ग किया था, इनको तालाब के अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे ढांक दिया था। पर ये इतने बलवान थे, बंदर है कोई चिंता की बात नहीं, कोई खास बात नहीं। तो अपन ये सब पुराण की कथाएं पढ़ते हैं तो चारों गतियों का वर्णन मिलता है, तो फिर कभी किसी अन्य गति का प्राणी अपने आसपास हो तो फिर उसमें आश्चर्य की क्या बात। तो शांतिनाथ भगवान का चरित्र अपने आप में अद्भुत है और उसमें दान का जो विवेचन किया है, उस दान के विवेचन में उत्तर पुराण को अगर कोई अच्छी तरह से पढ़ ले तो फिर उसमें ये बात भी समझ में आती है कि अपने शरीर के अंगों का दान ये जैन परंपरा में नहीं है। नेत्रदान, फिर गुर्दा किडनी का जो डोनेशंस करते हैं, ब्लड डोनेशन होता है, रक्तदान वगैरह, लेकिन फिर भी कई जैनी लोग अपने यहाँ पर उसका शिविर लगाते हैं और फिर उसको बहुत अच्छा पुण्य परोपकार का कार्य मानकर कुछ लोग शायद उसको धर्म में भी सम्मिलित कर लेते हों, क्या पता। अभी अपन तो नहीं कह सकते उनकी मन की बात को, लेकिन ये सारे कार्य चलते हैं। पर डॉक्टर ए जे शेडवेल, एलन जो शेडवेल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हु इज योर डॉक्टर एंड व्हाई। उस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि मैंने अपनी जिंदगी में 20,000 ऑपरेशंस किए हैं। डॉक्टर एलन जो शेडवेल ने लिखा कि मैंने 20,000 ऑपरेशंस किए हैं और मैंने एक प्रयोग किया है कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जहां भी रक्त की जरूरत है वहां सेलाइन चढ़ा दिया जाए। सेलाइन का मतलब क्या होता है? तो जो बॉटल होती है ना पानी जैसी, एक ग्लूकोज की बॉटल होती है, डेक्स्ट्रोज की होती है, सेलाइन की होती है बॉटल। तो उस सेलाइन जो होती है उसमें कुछ थोड़ा नमक का घोल रहता है, अगर ब्लड के स्थान पर सेलाइन चढ़ा दिया जाता है। तो उनने लिखा है कि मेरे 20,000 ऑपरेशंस में जितने मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ती थी मैं उनको सेलाइन चढ़ाता था और फिर एक भी मरीज का मरण नहीं हुआ है। इसलिए वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रक्त जान बचाने के लिए अनिवार्य नहीं है।
आप लोग एकदम शून्य जैसे पड़ गए हैं। डॉक्टर एलन जो शेडवेल, बुक का नाम है हु इज योर डॉक्टर एंड वाई। उसमें उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है कि रक्त चढ़ाना जान बचाने के लिए अनिवार्य है ही नहीं,